अरे गजब रिफ्लेक्शन आ रही होगी। अरे बादल देख रहे देख रहे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, एक और कैंपिंग वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह की 10:30 वाला टाइम और हमारी ट्रैकिंग भाई बहुत हार्ड ट्रैक करके हम यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है अपना सामने वाले वो उस वाले पहाड़ी से यहाँ तक, और हमारी हालत है बहुत ख़राब। आज अपने साथ चंदू भाई और पीछे अंकुर भाई। चंदू भाई बहुत टाइम बाद आज कैंपिंग में है, तो आज तक भाई कहाँ छुपा था भाई आज तक? अभी कुछ मत पूछो, बताने की हालत में नहीं है, ऊपर ही टॉप में जाके बता दें। चलो गाइस, अभी हमें लगभग 200-300 मीटर ऊपर जाके इस वाली पहाड़ी की टॉप पे कैंपिंग करनी है, लेकिन हमें इस व्यू के लिए भाई इतनी धूप में और एकदम स्टीप चढ़ा चढ़ के यहाँ आना पड़ा। तो यार आपको ऐसे अगर इस टाइप की कैंपिंग पसंद है जिस पर आपको अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर ऐसी लोकेशन पर कैंपिंग करेंगे, तो लाइक करना वीडियो को। फिलहाल पहुंचते हैं लोकेशन तक। आज की लोकेशन बहुत ही मस्त रहने वाली है, साथ ही आज बहुत टाइम बाद ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेंगे। तो चलते एक बारी, पहुंचते हैं लोकेशन तक, फिर जाके बात करते हैं आगे। चलो यहीं पर लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोकेशन तक, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोकेशन है कि भाई जहाँ मर्जी आप टेंट लगा सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन हर जगह पे, यहाँ पे टेंट पूरे एरिया में बहुत ही बढ़िया स्पॉट है यहाँ पे टेंट लगाने के लिए। तो ये फाइनल यहाँ पे हमने लगाने की सोची है। तो अभी गर्मी ठीक ठाक है यहाँ पे, जल्दी टेंट वेंट लगाते हैं। तो गाइस हर वीडियो में आप टेंट पिच करते हुए कुछ सिनेमैटिक सा देखते हैं, लेकिन आज टाइम लैप्स में दिखाता हूँ आपको सीधे टेंट पिच करना, क्योंकि यहाँ पे भाई गर्मी ठीक ठाक हो रही है। तो जल्दी जल्दी टेंट पिच करते हैं, और चलो चंदू भाई करें पिच। ओके खोलो इसको। तो ये लग चुका है अपना टेंट, और लोकेशन की बात करें भाई यार ये देख सकते हैं आप, क्या बादल मस्त मस्त लग रहे हैं, और साथ ही ये पूरे एरिया का नज़ारा। ज़्यादा आपको अभी ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे, तो उसमें मज़ा आएगा, पूरा एरिया कैप्चर हो जाएगा। तो फिलहाल अब सामान वामान सारा रखते हैं अंदर, फिर थोड़ा रिलैक्स करके फिर बनाएंगे खाना। तो गाइस अब बढ़िया से टेबल वेबल सेट करते हैं, और ऐसे मतलब तो चाय तो यार चाय नहीं पी सकते ना, तो कुछ ऑप्शन है अपने पास। कोल्ड ड्रिंक लाए हैं हम। अरे गजब, तो यार आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसी धूप लग रही है ना यहाँ पे। हवा भी बराबर है। हवा भी बराबर है। हाँ
पाँच सेकंड में धूप, पाँच सेकंड में हवा, ये आज मज़ा आएगा। साथ ही आज एक स्पेशल चीज़ बनने वाली है, जैसे कि आपको पता है भाई चंदू भाई फेमस है चंदू चाय के लिए, साथ में आज एक और डिश बनेगी जो पहली बार अपनी कैंपिंग में होगी। ये हो गया सेट, अब तो लग रहा है ये भी गर्म हो गया होगा। ओ हो भाई, तो यार ये तो थोड़ा गिर चुका है, चलो ऐसे ही पीते हैं। ले भाई तू पी ले पहले। तो भाई आज क्या बनेगा बता? आज नॉन वेज मोमो। मोमो बनाएगा? मोमो बनाएंगे मस्त करके। ज़्यादा भाई यहाँ से ना जो व्यू आ रहा है, चलो आपको ड्रोन शॉट दिखाते पहले, फिर जाके कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप है तो थोड़े ढंग से आए नहीं, फिर भी ट्राई किया है, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो वापस से करें स्टार्ट कुकिंग। तो आज कुकिंग मैं नहीं करूँगा, चंदू भाई कुकिंग करने वाला है आज। और ये बात, चलो फिर यार आज क्या बन रहा चंदू भाई? आज नॉन वेज मोमोज। नॉन वेज मोमोज बनने वाले हैं, तो उससे पहले क्या बनाएंगे? कीमा, कीमा चिकन का कीमा, चिकन चिकन, ये रहा चिकन, इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। लग रहा धूप से तो आधा पकी गया होगा ये। चलो फिर ये चिकन, चंदू भाई बनाएगा कीमा, स्टार्ट करें। चलो थोड़ा मैं भी हेल्प करता हूँ, है ना, इसको थोड़ा बारीक बारीक काट लेता हूँ। तो चंदू भाई कितना एक्सपीरियंस मोमोज बनाने का? 16 साल का था मैं जब घर में लाले पड़े थे खाने के, छोटी उम्र में बाहर चले गया था मैं, कम से कम 8-9 साल हो गए। अच्छा, वैसे यार आपने चंदू चाय भी देखी होगी ग्रुप कैंपिंग वाली, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना 2 डे ग्रुप कैंपिंग में, जिसमें चंदू भाई ने बनाई थी चंदू चाय। चंदू चाय कैसे बनते हैं ज़्यादा वीडियो में डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, देख लेना वो वाली वीडियो। और आज हम बना रहे हैं मोमोज, ठीक है।
तो बराबर कीमा हो रहा है हमारा ये। बस यार एक दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि धूप बहुत तेज़ लग रही है बीच में, फिर अचानक से बादल आ जा रहे हैं बीच में, जो कैमरे की सेटिंग है ना उसको बार बार छेड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ज़रा थोड़ा मैनेज कर लेना अगर ऊपर नीचे हो गया। अंगुली अंगुली ना चला जाएगा बीच में, अंगुली मत कर भाई। तो गाइस कर चुका है ना, बन चुका है लेकिन बारीक। अब कीमा प्रिपेयर करते हैं। पहले इसके लिए मसाले क्या क्या लगेंगे भाई, ये नमक आ गया और सॉस सोया सॉस अजीनोमोटो, ठीक है ओके। चलो तो गाइस अभी मिर्च कट रही है, तब तक मैं स्टोव लगा लेता हूँ, इसके बाद कीमा बॉईल करेंगे ना। ज़्यादा स्पाइसी मत बना देना, स्पाइसी से याद आ रहा कुछ? मेरा तो कलेजा है। मेरा तो कलेजा मुँह में आ गया, वो तो मैं खा गया। इसमें आ जाएगा ना। चलो गाइस जब कीमा बनेगा कैसे बनाना है यार ये चंदू भाई बताएगा ज़्यादा। पहले ऑयल डाल दिया ना, पर यहाँ पर दिक्कत एक हो सकती है कि हवा चल रही है तो भाई टाइम लगेगा। अब होगा कीमा मिक्स, इसमें क्या क्या आएगा भाई? इसमें जाएगा अभी बताता हूँ, हरी मिर्च और प्याज। ओके इसमें जाएगा अजीनोमोटो। ये है नमक, सोया सॉस, भाई चूड़ियां खोल गया भाई मेरे तो। ये बढ़िया था भाई, झटका लग गया था। तो रेडी है कीमा? बस लग रहा है कलर भी एक अलग सा वाइट वाइट हल्का सा और ब्राउन टाइप का ना, गोल्डन ब्राउन टाइप का आ चुका है, तो निकालते हैं इसको। चलो नेक्स्ट स्टेप बहुत डिफिकल्ट है खासकर यहाँ पे करना, क्योंकि भाई मैदा गूंथना है और उसके फिर बनाने पट्टे। तो गाइस अभी कीमा बन चुका है और सबसे मुश्किल पार्ट है अपना अभी भाई ये चीज़ बनाना, ये है इस पर मैदा। इसका एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं, चंदू भाई को ये इसका एक्सपीरियंस, तो चलो पहले ये बना लेते हैं मोमो की जो शेप बनते हैं मतलब मैदे के। ये आ गया मैदा, भाई चंदू भाई यार ऐसे धूप में कैसा एक्सपीरियंस है आज का? भाई साहब क्या बताओ, और धूप भाई बहुत तेज है, बहुत तेज, पता नहीं ऐसे में कैसे हो पाएगा समझ नहीं आ रहा है। भाई पानी की जगह पसीना मत डालना ज़्यादा,
अभी नहीं हो रहा है, पसीना नहीं हो रहा है अभी। हाँ, ये चीज़ भी है कि यहाँ पे थोड़ी हाइट पे है तो हवा भी चल रही है साथ में, इसकी वजह से थोड़ा, वरना अगर ऐसी धूप में हम कहीं और होते ना भाई बिल्कुल नहीं हो पाता। यहाँ पे थोड़ा मैनेज हो पा रहा है, हवा चल रही है इसकी वजह से थोड़ा हो पा रहा है कुछ मैनेज। तो फिलहाल तो यार ये बनता है, उसके बाद मोमोज बनाएंगे और शाम होते होते जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी उस टाइम पर मस्त बैठ के खाएंगे मोमोज। और एक दिक्कत और है, वो मैं वीडियो की जब मोमो बन जाएंगे उसके बाद बताऊंगा, बड़ी प्रॉब्लम है वो चीज़ भी, बताते हैं क्या है तो मुझे भी नहीं पता। आगे वेट करना वीडियो में, आगे बने रहना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट हो जाए एक बारी। ये बात रेडी हो चुका है, अभी इसको भाई इससे काम चलाना पड़ेगा। वैसे इससे हमने पराठे बनाए हैं तो देखते हैं इससे हो पाता, हो जाएगा ना भाई? हाँ हो जाएगा, पर थोड़े से मोटे रहेंगे बस। इतने बड़े मोमो? अच्छा इसको काटेगा, अच्छा ओके, मुझे लगा भाई ये इतने मोटे मोटे मोमोज बनाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई। अच्छा इसको और पतला करेगा, फिर इसमें काटेगा इसको ना। हाँ ओके, तो अभी मैं इस पर थोड़ा ऑयल लगा लेता हूँ ताकि मोमोज इस पर चिपके ना स्टीमर पे। ठीक है ओके। तो गाइज अभी दिक्कत ये होगी कि जहाँ पर हमने टेंट लगा रखा है वहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही है, जिसकी वजह से मैदा एकदम सूख जा रहा है। तो अभी यहाँ पर छाया देख के यहाँ पर आए हम, और ये वाली ड्यूटी अब मेरी हो गई है कि मैं मुझे इसको वेलना है और चंदू भाई इसके सेप बना लेगा अच्छे से। एक बन चुका है वैसे, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा वरना फिर से सूख जाएगा। चलो गाइज जल्दी जल्दी बनाते हैं, कोशिश करते हैं चार बन जाए इसमें। क्रॉस कर गया एक दूसरे को भाई, ये भाई पांच, चलो अब स्टीम करते हैं मोमोज को। थोड़ा जगह कम पड़ रही है बट शायद से आ जाएगा इसमें। चंदू भाई कितना टाइम लगेगा यार, और बस रहा नहीं जा रहा अब तो, पाँच मिनट बस हो ही गया, गिरने जाएगा लास्ट मोमेंट पे, गिर भी जाएगा कोई फर्क नहीं। तो गाइस पीछे पहाड़ी पे देख रहे होंगे आप, बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे मोमोज अभी तक बनी नहीं यार। चंदू भाई क्या हो रहा है ये? बस पाँच मिनट, पाँच मिनट करके पाँच घंटा लगा दिया लेकिन बनी नहीं। अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक करके देता हूँ, जब से आया तब से देख रहा हूँ, पीठ करके देता हूँ, पीठ कब ठीक करके देगा ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है भाई। पाँच मिनट बोलते ही लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो रहा है टाइम, एक घंटा होने वाला लग रहा है मुझे तो, सीधे सीधे बोल देना भाई एक घंटा लगेगा। वो पाँच मिनट यार अभी बना के देता हूँ।
तो गाइज़ मोमोज रेडी हैं अभी। जो ना मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो टाइम शुरू होता है क्योंकि चंदू भाई अपने हैं नॉनवेज खाते नहीं भाई भाई साहब, तो अब इनके लिए बनानी पड़ेगी मैगी। मैगी बना रहा हूँ मैं अपने लिए। पीयूष कितना मैगी खाता है यार तेरे में से। मैगी खाऊंगा। तो गाइस हमारा मोमो हो चुका है, मैं पीयूष के लिए मैगी बना रहा हूँ। पीयूष इतना मैगी मत खाया कर तू है, बार बार मम्मी देखो नहीं है, मैगी 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 कितना मैगी खाता है ये। चंदू भाई अपने लिए मैगी बना रहा है और इससे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मैं स्टार्टिंग में ना क्या होता था, जैसे कि आप जो स्टार्टिंग से मेरे को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि स्टार्टिंग में भाई ओनली मैगी बनती थी अपने कैंपिंग में, तो वो दिन याद आ गए। ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बारिश ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यहीं पर द एंड करते हुए, नहीं वीडियो द एंड नहीं होगी, वीडियो नहीं होगी, अपनी वाणी जो है वो एंड हो जाएगी। मैगी बनता है फिर साथ में हम तो खाएंगे मोमो और दिखाता हूँ एक बारी। अब ये देखिए गाइस गरम एकदम, अभी भी बन रहे होंगे ना, स्टीम हो रही है, मज़ा आने वाला है गाइस। और भी सामने का व्यू देखिए, इस साइड बारिश हो रही थी अभी, फिर से इस साइड में हो रही है अभी बारिश। तो गाइस इंतज़ार ख़त्म हुआ, रेडी हो चुका है, चलो अभी इसको निकालते हैं और खाते हैं। बस एक बार यार, हो भाई साहब क्या हुआ, इसका स्विच थोड़ा कम कर दो भाई यार, ये ज़्यादा ही लग रहा है। चलो यार एक बार इसको अभी प्लेट में रखते हैं और खाते हैं। टमाटो केचप लेके आऊँ या फिर शेजवान? तो गाइस मोमोज रेडी हैं, अभी चंदू भाई का क्या बोलते इसको मैगी, मैं तो भूल भी गया अब, और हमारे लिए मोमो। केचप ढेर सारा, टेस्ट करते हैं, चलो कर स्टार्ट, करो करो तुम दोनों पहले टेस्ट कर। चंदू भाई तो भाई खाता है नहीं, तो हम ही टेस्ट करके बताते हैं आपको। भाई गजब, सच में मज़ा आ गया। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि चंद भाई के लिए कुछ नहीं है, कुछ बस मैगी 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 है, मैगी बढ़िया है, जिसने बनाया वो ही नहीं खा पाया, दुर्भाग्यपूर्ण करम फूटे करम मेरे। तो गाइस हमने खा पी के मस्त करके अब जाने की तैयारी। देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम रात के लिए प्रिपेयर नहीं थे, मतलब रात के लिए नहीं आए थे कैंपिंग करने के लिए, तो अभी जस्ट पैकिंग कर रहे हैं हम क्योंकि बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब हो सकता है कभी भी, तो जल्दी से पैकिंग करते हैं और जाना पड़ेगा हमें जल्दी यहाँ से। तो ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी वीडियो एंड नहीं होगी क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखाना है आपको, बहुत मस्त मस्त सीन दिखाएंगे नीचे जाके, तो एक बार पैकिंग वैकिंग करते हैं, टेंट वेंट समेटते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मौसम देख सकते हो इस साइड से तो बारिश आने वाली है, और यहाँ भी देख सकते हो ये वाला। तो गाइस पैकिंग वैकिंग करके थोड़ा नीचे आ चुके हैं हम लोग, और आज की कैंपिंग यार बड़ी मज़ेदार रही, बस थोड़ा सा फन वन किया, मतलब मस्ती मजाक मस्ती चली, बस ऐसा था आज का कैंपिंग। थोड़ा सिनेमेटिक शॉट आपको कम दिखे होंगे, बस व्यू की कमी नहीं थी भाई, बट व्यू की कमी नहीं थी वीडियो में, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे आपको। चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर इस टाइप की वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ जल्दी एक और कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपकमिंग वीडियो आपको ऐसे कुछ बेहतरीन बेहतरीन नज़ारों के साथ मिल सकते हैं, तो ऐसे देखना है तो लाइक करना ताकि भाई मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो में बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।